यू नीड टू कंसिडर दिस वीडियो बिफोर बाइंग कैनन 50 mm प्राइम लेंस 1.8 f/1.8। तो बात करते हैं हम लोग कैनन 50 mm जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये वाला लेंस जो है ये लिया था, आपको अपना जो ए शॉट होता है ना, मेरा ए शॉट उसको कहते हैं, जो मतलब सामने बैठ कर बात करने वाला, और बेसिकली मैं वही करता हूँ। तो वो वाला शॉट के लिए मैंने ये वाला लेंस सोचा कि ट्राई करते हैं, ब्लरी बैकग्राउंड हो जाएगा। लेकिन मेरी रूम का लेंथ 10 फिट है, ठीक है, तो इस वजह से मैं ए शॉट बना ही नहीं सकता हूँ। बी रोल के लिए ये लेंस इट्स लाइक अमेजिंग, मैं डालता हूँ, देखिए आप लोग कितना अच्छा अच्छा बी रोल बनाया है मैंने। लेकिन ए रोल मैं अपने रूम में नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा लेंथ नहीं है। जैसे कि इतना लेंथ बेसिकली 1 मीटर मेरा कैमरा दूर होता है, और 18-55 जो किट लेंस है उससे मैं वीडियो बनाना तो होता हूँ, तो बेसिकली मतलब पूरा वाइड शॉट मिल जाता है, लेकिन इस लेंस से नहीं मिल रहा है। देखिए ब्लरी बैकग्राउंड इज लाइक कितना अच्छा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि क्या वो मतलब क्या बोलते हैं, मेरा बैकग्राउंड या बैकड्रॉप या मतलब वॉलपेपर क्या है मेरे अभी लैपटॉप पे। तो पहले देखिए वॉलपेपर क्या है। हाँ, तो ये देखिए किट लेंस से वीडियो कितना ज़्यादा वाइट है, ये 18 mm में मैं शूट कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आपको वीडियो के लिए, ए रोल बनाने के लिए या बात करने के लिए कोई लेंस लेना है, तो सबसे पहले आप 18-24 लीजिए। वो थोड़ा सा महंगा है लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा लेंस। और ये जो प्राइम लेंस है 18-2 नहीं, ये प्राइम लेंस है यार, 50 mm वाला जो मैं शूट कर रहा था पहले। तो पता है जैसे कि इसको यूज़ करने के बाद या इसको वीडियो बनाने के बाद मतलब मन करता है कि इतना वाइड शॉट हो लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी हो। तो इसी वजह से जो मतलब कैमरा या अच्छा जो गियर यूज़ किए होते हैं वो फिर क्वालिटी गिरा नहीं पाते हैं अपनी, और एक तरीके से एडिक्शन में आ जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यही था सिर्फ इस वीडियो से, और मतलब मैंने फ़ोटोज़ भी दिखाए, वीडियोज़ भी दिखाए कि वो कितना अच्छा शूट करता है। वो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप ये वाले लेंस को मतलब बी रोल के लिए इस्तेमाल कीजिए, और नया लेंस ले लीजिए 18-24 ए रोल के लिए, या किटी लेंस का इस्तेमाल कीजिए अच्छी लाइटिंग के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कोई भी चीज़ करना, आपके पास गियर कितना भी अच्छा आएगा उससे अच्छा गियर मार्केट में हमेशा होगा। आप सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, भले अगर आप बिल गेट्स या उन मुकेश अंबानी के बेटे हैं तो कर पाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपके पास क्या है उसको आप पहले अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो अभी भी बोल रही थी वो कि मतलब आप जो फिल्म रोल वाला जो कैमरा होता है उससे आप फ़ोटो खींचिए। अभी तक अभी उसने डिजिटल में मतलब कन्वर्ट हुई है वो, मतलब डिजिटल अब यूज़ करने लगी है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ साल पहले तक वो कोडेक कैमरा ही यूज़ कर रही थी। क्योंकि वो बोल रही थी कि मतलब अगर आपके पास कम फ़ोटोज़ आप खींच पाइएगा तो आप अहमियत दीजिएगा कि कौन सा फ़ोटो आप किस एंगल पर, फ्रेम सब चीज़ की अहमियत आप अच्छे से रखिएगा, उसके बाद से फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, नहीं इस तरीके से। आजकल का जो मतलब डिजिटल कैमरा है, जो मतलब वो बता रही थी, भले टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन मतलब 50-100 शॉट, मतलब उसमें 50 में 49-48 शॉट्स आर रबिश शॉट। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई एंड एरर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले ही से सोच के रखिएगा कि आपके पास इतना शॉट है और उसमें से एक ना एक शॉट अच्छा फ्रेमिंग होना चाहिए, आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़्यादा दीजिएगा, मेरा यही कहना था। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और लास्ट में फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ए रोल बनाना है और आपको अपने को शूट करना है तो ये लेंस आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, बी रोल के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ए रोल बनाने के लिए आपको 5 मीटर दूर बैठना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मैं डिस्क्राइब करता हूँ इस वीडियो में कि थैंक यू फॉर लिसनिंग मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का नाम है नाशिद अनफिल्टर्ड, जो आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आ ही जाएगा। anchor.fm से यूज़ करते मतलब डालते हैं, पब्लिश करते हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं क्योंकि आई लाइक टू टॉक। सो बाय।